Do you want to listen to this? समय की तेजी कभी महसूस नहीं हुई, मस्तिष्क में लड़कपन की लड़ाई तो याद नहीं आती, लेकिन कुछ कहानियां हैं जो अब भी धुंधली नहीं हुई। ये जंगल और तालाब अब बूढ़ा दिखाई पड़ता है, पर कहानियां कभी बूढ़ी नहीं होती, ऐसा पिताजी कहा करते थे। मुझे अक्सर इतवार की सुबह पिताजी यहाँ ले आया करते और मछली पकड़ते हुए कहानियाँ सुनाते। कहानियों में कभी माँ अपने कभी दादी कभी जंगल से बंदरों की आवाज़ आती है, जंगल के भूत के किस्से सुनाते। कहानियों में कभी माँ अपने खुले बाल तालाब में भिगो रही होती, तो कभी दादी कौवा बनकर काय काय करती। कभी जंगल से बंदरों की आवाज आती, तो जंगल के भूत की किस्से सुनाते। कहते थे कि वह ब्राह्मण भूत था, पर अन्य ब्राह्मणों ने उसका श्राद्ध न होने दिया। मिथ्य और सत्य की समझ लड़कपन में नहीं थी, तो कहानियों पर विश्वास था। शायद इसीलिए ज़हन में वो अभी जिंदा है। आज खुद को इस जंगल जैसा बूढ़ा महसूस करती हूँ। जलन होती है मुझे उस भूत से, जिसका भय आज भी कहानी में उतना ही जिंदा है जितना कि मेरा अस्तित्व होता है।